पूज्यपाद स्वामी जी महाराज राजा जनक की चर्चा ही कर रहे हैं अभी भी, कुछ दिन तक और जारी रखेंगे। ऐसा लगता है स्वामी जी महाराज राजा जनक को बहुत उच्च कोटि का राजऋषि मानते हैं। स्वामी जी महाराज का फेवरेट कही संभवतया उनका ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब से स्वामी जी महाराज बहुत प्रभावित हैं। इसलिए इतने सारे पृष्ठ इतने दिनों से उन्हीं की चर्चा चल रही है। जनक सभा में संत महात्मा सदा विराजमान रहते हैं, प्रभु राम दरबार में भी ऐसा ही था। शायद इस वक्त प्रथा इस प्रकार की हुआ करती होगी। कहते हैं राजा लोग स्वयं न्याय नहीं करते थे, निर्णय नहीं देते थे, संतों महात्माओं से जो ऋषि मुनि गुरु वहां विराजमान होते थे। कोई किसी प्रकार का कोई केस आता था तो उनसे पूछते थे दंड क्या दिया जाए, राजा सिर्फ सुनाते थे। निर्णय इन संतों महात्माओं का हुआ करता था। जनक सभा में बहुत संत महात्मा बैठे हुए, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, अष्टावक्र जी महाराज पधारे हैं। आठ अंगों से विकृत अष्टावक्र, नाम ही उनका आठ अंग, सब टेढ़े मेढ़े, रंग भी काला कलूटा है, पांव घसीटते घसीटते राजसभा में पधारे हैं। आज का प्रसंग पढ़ के यही लगता है कि अष्टावक्र जी महाराज ने जो उनको कहा सो कहा, वास्तव में हम सब चमार हैं, चर्मकार हैं, जो देहभाव से ऊपर नहीं उठा वह चमार है, जिसको चमड़ी ही दिखाई देती है, चाम चमड़ी दिखाई देती है, वह चमार वह चर्मकार उन संत महात्माओं को नहीं। अष्टावक्र ने आज हम सबको चर्मकार कहा है। हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसी को देवभाव कहा जाता है, देवबुद्धि कहा जाता है। घातक है साधक चुनो, निरर्थक है, किसी काम की नहीं, झूठी है, सत्य नहीं। व्यवहार में तो काम आती है लेकिन परमार्थ में काम नहीं आती। परमार्थ में बहुत बड़ी बात है ये देवबुद्धि, ये देवभाव हर एक का नष्ट होना चाहिए साधक का। यदि वह साधना में प्रगति चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, तो उसका देहभाव ये खत्म होना चाहिए। उसका आत्मा निर्मल स्वच्छ आत्मा, विमल आत्मा, ये भ्रांति उससे अंदर से निकलनी चाहिए कि वह देह है। वह देह नहीं है, वह आत्मा ही है जो हम हैं। आत्मा के साथ ही हम भी, जैसे आत्मा सोचने लगता है वैसे हम सोचने लगते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं, ऐसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। कुछ दिन पहले आपने सुखदेव का प्रसंग पढ़ा था, छोटी मोटी हस्ती नहीं, महर्षि व्यासदेव के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज गर्भ से ही ज्ञानी थे, गर्भ में ही उन्हें ज्ञान था। बाहर निकलने के बाद उन्हें ज्ञान की कितनी प्राप्ति हुई मानो, कोई गुंजाइश नहीं थी, फुल थे, पूर्ण थे बिल्कुल सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। क्षत्रिय ब्राह्मण है, राजन क्षत्रिय है, ज्ञान का देव ये सज्जनों कुछ भी हो, कोई भी हो,
ज्ञान होना बुरी बात नहीं, ज्ञानी होना बहुत बुरी बात है, अभिमान का चिन्ह है। ज्ञान बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान तो हर एक के पास होना चाहिए, लेकिन ज्ञानी कहलाना अभिमान का चिन्ह है। सुखदेव जी महाराज कथा इसी प्रकार की है, भी अपने आप को ज्ञानी ही मानते थे, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। जगतगुरु जैसे परमात्मा को कहा जाता है, ऐसे महर्षि व्यासदेव जी को भी कहा जाता है। उन्हें भी पता था कि मेरा पुत्र किस प्रकार का है, कितना बड़ा है, क्या इसकी सोच है। अतएव स्वयं उन्हें अपना शिष्य न बना के बना सकते थे, तो हमेशा राजा जनक के पास भेजते थे कि जा उनसे ज्ञान प्राप्त कर, उनको अपना गुरु धारण कर। उससे पहले भी है, कहते हैं सुखदेव जी महाराज घूमते घूमते बैकुंठ चले गए, वहां से धक्के पड़े, तेरा कोई गुरु नहीं है, तुझे बैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। निगुरा, तो निगुरा है, सुखदेव को कहा तो निगुरा है, जाके कोई गुरु धारण कर फिर आना। राजा जनक के पास जब भी पिताश्री भेजते हैं, हमेशा मन में विचार आता, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं सन्यासी, मैं गृहस्थी, मैं योगी, मैं भोगी, मैं, मेरे पिताश्री को क्या हो गया, मुझे क्यों बार बार उनके पास भेज रहे हैं, वे मेरे गुरु होने योग्य नहीं। इस सोच ने दे दिया सचनों, जितनी शक्ति सुखदेव जी महाराज लेके आए हुए थे सारी की सारी नष्ट हो गई। कहते हैं किसी सतपुरुष का, किसी सदगुरु के बारे में इस प्रकार की सोच का होना, उसकी जितनी भी शक्ति है, कितनी कला संपूर्ण आए हुए थे सुखदेव जी महाराज, सारी की सारी दो चार बाकी ही रह गई हैं। राजजनक ने इनके साथ क्या किया, आप सबने पढ़ा है, आखिर पहुंच गए, धक्का खा के चोट लगी। देवऋषि नारद ने कोई और रूप धारण करके तो इन्हें चोट मारी, क्या कर रहा है, तेरे पास कुछ नहीं रहा, इतना महान तू जन्मा था, अब उतना ही छोटा हो गया है, वामन हो गया है, बौना हो गया है, तू जा राजा जनक के चरण शरण में जा।